चांद रहेगा, बाबू जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबू जी का नाम रहेगा। कुशल राजनेता, सफल संगठन संचालक, समाज सेवी, धर्मपरायण सेवा की प्रतिमूर्ति, दूरदृष्टा, मृदुभाषी और समस्त दिल्ली भाजपा के प्रेरणा पुंज। जब तक जिए समाज और पार्टी के लिए ही जिए, और गए तो भी सर्वस्व देकर। ऐसे थे हमारे बाबूजी मांगे राम गर्ग। वर्ष 2019 की 21 जुलाई के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन जाते जाते अपना शरीर भी मेडिकल के छात्रों के लिए, रिसर्च के लिए दान कर गए। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। 21 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर उनके प्रियजन और पार्टी के कार्यकर्ता हर वर्ष उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन स्वर्गीय मांगेराम गर्ग के जीवन को श्रद्धांजलि देकर एक आदर्श नेता, समाज सेवी और धार्मिक शख्सियत के रूप में याद किया जाता है। उनकी जन्म जयंती पर विगत वर्ष इस देहदानी के सम्मान और स्मृति में दधीची देहादान समिति ने नई दिल्ली में दधीची कथा का आयोजन किया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वीएचपी नेता आलोक कुमार सहित बड़ी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से बीजेपी सांसद, कार्यकर्ता और संघ से जुड़े लोग पहुंचे और उनके साथ अपने अनुभवों को साझा किया। मांगेराम गर्ग जी का जन्म 23 नवंबर 1936 को हरियाणा के नरवाना तहसील के कुराड़ गांव के नागरमल परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो भी कमाया सब अपनी लगन, मेहनत, जुझारूपन और सेवा भाव से कमाया। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ मगर आदर्श था। मांगेराम गर्ग जी के जीवन पर उनके मामा प्यारेलाल जी का गहरा प्रभाव था। वर्ष 1949 में संघ का स्वयं सेवक बनना हो या शादी के बाद साल 1956 में दिल्ली आना, सब कुछ मामा प्यारेलाल जी की ही प्रेरणा से हुआ। ये मामा प्यारेलाल जी की सीख ही थी कि बचपन से ही रामलीला कमेटी की व्यवस्था संभाल ली हो या रेलवे स्टेशन पर लोगों को पानी पिलाना, संत विनोबा भावे से प्रेरित होकर वर्धा में गली के लोगों के मकान का शॉर्ट साफ करना हो या देहदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मिसाल रखनी हो, मांगेराम गर्ग सदैव ही पहली पंक्ति में खड़े नजर आए। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी प्रेम जी गोयल से भी खासे प्रेरित थे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल के वो काफी करीब थे। उन्हीं की सलाह पर मांगेराम गर्ग ने देश में तीर्थयात्रियों की सुविधा और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए धर्मयात्रा महासंघ की स्थापना की। वे सदा कहते थे कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है तथा तीर्थों का विकास भारत का विकास है। वीएचपी की इकाई धर्मयात्रा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने वीएचपी अंतरराष्ट्रीय प्रमुख अशोक सिंघल के साथ मिलकर देश भर के सनातन तीर्थ स्थलों पर यात्रियों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। वे हरिद्वार की प्रसिद्ध धर्मशाला निष्काम सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रहे। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सरकारी आर्थिक सहायता और यात्रियों के अभिनंदन की शुरुआत उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। यही नहीं, दिल्ली सरकार द्वारा कांवड़ सेवा शिविर लगवाने में भी उनकी विशेष भूमिका थी। वे युवावस्था से ही गौ रक्षा आंदोलन से जुड़े थे। इसके अलावा गोवा मुक्ति आंदोलन कर्मियों की सेवा हो, दिल्ली वासियों को हैजा या प्लेग की महामारी से बचाना हो, कश्मीर और पंजाब विस्थापितों के लिए कार्य करना हो या देश के किसी कोने में आई प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों की मदद, वे हर जगह मुस्कुराते चेहरे और मजबूत बाजुओं के साथ खड़े मिलते थे। संघ में रहकर सनातन धर्म और समाज सेवा करते वे कब राजनीति में चले गए
ये उन्हें भी पता नहीं चला। राजनीति में भी वे सेवक ही रहे, लेकिन सीधे तरीके से काम करने की अपनी विशेष शैली के कारण उन्होंने वहां भी सफलता की लंबी रेखा खींच डाली। आपको जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई, तब जाकर पार्टी ने पहली बार दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर विजय का स्वाद चखा। तमाम विषम परिस्थितियों में भी 2003 में उन्होंने वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की विजय पताका फहराई। यही नहीं, देश की राजनीति में भाजपा को मजबूत आधार देने वाली पन्ना प्रमुख व्यवस्था का श्रेय भी स्वर्गीय मांगेराम गर्ग जी को ही जाता है। संगठन कला में उनकी महारत इतनी थी कि देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती थी तो संघ और संगठन उन्हें ही याद करता था। महज चंद घंटों में मदद का सामान तैयार कर आपदा स्थल पर जाने के लिए भिजवा देने की उनमें ऐसी अद्भुत कला थी कि उड़ीसा में आई तबाही के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद उन्हें मदद जुटाने के लिए निर्देशित किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा भी किया। बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि कारगिल युद्ध के समय मांगेराम गर्ग ने ही सबसे पहले दिल्ली के व्यापारियों से 14 लाख रुपए इकट्ठा कर सरकार को भिजवाए थे, जिसके बाद देश भर से मदद के लिए हाथ उठना शुरू हो गए थे। पार्टी के लिए धन संग्रह में वे माहिर थे। बीजेपी की आजीवन सहयोग निधि के वे राष्ट्रीय संयोजक रहे। वर्तमान में देश भर में बीजेपी के कार्यालय निर्माण की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। अपने गृह क्षेत्र में दीपचंद बंधु अस्पताल का निर्माण, 3-3 सामुदायिक भवन, झुग्गी वालों को उन्हीं की जगह पर फ्लैट देने की योजना भी उन्हीं की सोच का नतीजा है। उनका जीवन एक आदर्श जीवन रहा तो उनका परिवार भी एक आदर्श परिवार है। स्वर्गीय मांगेराम गर्ग का समस्त परिवार हर घड़ी हर परिस्थिति में एकजुट तो रहता ही है, बल्कि उन्हीं के नक्शे कदम पर समाज, धर्म और देश की सेवा में सदैव आतुर और अग्रणीय रहता है। अशोक विहार समेत पूरी दिल्ली व देश भर में तमाम सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के केंद्र में ये परिवार रहता है। सेवा की प्रतिमूर्ति मांगेराम गर्ग जी की सांसें तो रुक गईं, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा को रुकने नहीं दिया। अपना समूचा शरीर मेडिकल की पढ़ाई के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। अब वे हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी सेवा और संघर्ष भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल में हमेशा एक प्रेरणा पुंज के रूप में बना रहेगा।